हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी मेरी तरह कैवेज नॉर्मल खा खा के पक गए हैं तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कैवेज पकोड़ा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में हाफ कटे हुए कैवेज ले लेंगे। देन हम स्लाइस किए हुए अनियन ले लेंगे। उसके बाद हम एक टेबलस्पून नमक डाल देंगे और इससे हम हल्का हल्का मिक्स कर देंगे और इसे हम ढक के 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1/3 टेबलस्पून अजवाइन, 1/2 टेबलस्पून जीरा, चॉप्ड किए हुए अदरक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया का पत्ता और 1 चॉप्ड किए हुए ग्रीन चिली। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पर पानी बिल्कुल भी मत डालिए, ये ऐसे ही मिक्स हो जाएगा। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसी से ही मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं भी इसी से ही मिक्स कर रही हूँ। तो उसके बाद हम एक कढ़ाई पे तेल लेंगे और ये गर्म हो जाने के बाद छोटे छोटे करके हम ये डाल देंगे यहाँ पर। और ये हम 30 सेकेंड के बाद हम इसे दूसरी तरफ कर लेंगे और फिर से 1 मिनट के बाद हम इसे दूसरी तरफ कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। इसे ही हम धीरे धीरे इसे फ्राई कर लेंगे। ये अभी गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है तो अभी हम इसे निकाल लेंगे प्लेट पे और ऐसे ही करके हम बाकी पकोड़ों को भी बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहा है। तो आप भी इसे घर पे बनाइए और ये का टेस्ट कैसा लगा मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।